तो देखिए गाइस, अपन कार्ड बनाने के लिए मतलब पहले क्या होता था, ये वाला मतलब पोर्टल BIS, PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेनिफिशियरी लिस्ट, तो गाइस यहाँ से बनता था। और जिनके पास ये आईडी और पासवर्ड है, मतलब जिनका रजिस्टर हुआ है यहाँ पर, उनका ही मतलब यहाँ में आप लोग कर सकते थे। बट अभी देखिए गाइस, एक नया पोर्टल फाइनली गाइस आ चुका है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप लोग देखिएगा, मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, पहले यह था, अभी ये फाइनली क्लोज होने वाला है। और अभी दूसरा आया है गाइस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। तो देखिए गाइस, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए और भी आसान अभी यह में हो चुका है। अभी ये अभी देखिए गाइस, यह में नीचे में बताया गया है, अब लाभार्थी UTI ITSL केंद्र पर भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY के तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। और देखिए गाइस, आप 5 लाख तक मुफ्त इलाज आपको यह में दिया जाएगा और आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। तो देखिए गाइस, अभी यहाँ में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है आप लोग यहाँ में देख सकते हो। फीचर्स ऑफ पोर्टल, लिंक आधार है, एड मेंबर है, रीडो EKYC है और चेक स्टेटस है। तो देखिए गाइस, अभी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ में अबाउट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, तो इसका फुल मीनिंग है और ये आप लोग देख सकते हो, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ये वाला पोर्टल पर अभी आपको हमें RUA बेनिफिशियरी, अगर आप बेनिफिशियरी हो तो गाइस बेनिफिशियरी पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद में देखिए गाइस, हमें आपका मोबाइल नंबर जो भी है वो आप लोग दे दीजिए। उसके बाद में देखिए गाइस, हमें आप लोग मूड सिलेक्ट करिए, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए गाइस, मैं दे चुका हूँ, अभी सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही गाइस अभी आपके सामने में शो हो जाएगा। तो फाइनली गाइस वेरीफाई, देखिए गाइस यहाँ में टिक मार्क आ चुका है, अभी सिंपली नीचे जाना है, यहाँ में मोबाइल OTP जो भी है आपका यहाँ में दे देना है। तो गाइस जो भी आपका मतलब आया है वो OTP सिंपली आपको दे देना है। ये देने के बाद में सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस इतना करते ही आपके सामने में अभी फाइनली गाइस बेनिफिशियरी का जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा और यह हमें अलाउ करने के लिए बोलेगा। अगर आपका अलाउ बेनिफिशियरी इस तरीके का नहीं आ रहा है, लोकेशन मतलब एक्सेस करेगा यह हमें, तो अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर नहीं आया है तो गाइस आपको सेटिंग पर जाके इसको फिक्स करना होगा। उसके बाद में देखिए गाइस, ये फाइनली अभी आ चुका है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और यहाँ में स्कीम आपको PMJY सेलेक्ट कर देना है। स्टेट आपको यहाँ में कुछ ही स्टेट यहाँ में अवेलेबल है और अगर आपका स्टेट यहाँ में अवेलेबल नहीं है तो गाइस तो कुछ दिन बाद मतलब यहाँ में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपका अभी नहीं है तो कुछ दिन रुकना होगा और तभी जाके आपका भी स्टेट यहाँ में आ सकता है। तो देखिए गाइस, यहाँ में कुछ ही स्टेट अभी अवेलेबल है, जो भी है गाइस आप लोग देखिएगा हमें अपना स्टेट है कि नहीं। और सिंपली स्टेट सिंपली सिलेक्ट कर देने के बाद में मान लीजिए आंध्र प्रदेश, मैं एक सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। उसके बाद में देखिए गाइस, कोई भी स्टेट सिलेक्ट करिए, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। और यहाँ में डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ में सर्च बाय आधार नंबर, नेम, फैमिली आईडी। तो देखिए गाइस, अगर आपका मतलब रेशन कार्ड है तो गाइस फैमिली आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो गाइस आधार कार्ड, अगर नेम तो नेम से भी, अगर देखिए गाइस लोकेशन रूरल है या तो आपका अर्बन है तो आप लोग अपना हिसाब से दे दीजिए। और ये आप लोग सिलेक्ट कर देने के बाद में अभी नेक्स्ट स्टेप में आप लोग जाओगे और वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा अभी यहाँ में, आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो ये बेनिफिशियरी पोर्टल पर देखिए गाइस इस तरीके से न्यूली आप लोग जो भी आपने अगर नहीं बनवाया है आयुष्मान भारत कार्ड तो गाइस आप लोग बना सकते हो, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइस ये हमें बहुत ही इजी तरीके से हमें दिया गया है और ये पोर्टल आप सभी के लिए ही बनाया गया है। तो गाइस बेनिफिशियरी पोर्टल
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड भी नहीं है तो भी गाइस आप लोग हमें डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। तो जस्ट ओटीपी आपको दे के हमें करना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और पहले का जैसे नहीं है, यहाँ से अभी नहीं, मतलब अगर आपका इस ये वाला आईडी भी नहीं है तो भी गाइस अभी आपका बन जाएगा यहाँ से, तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे ये आईडी जरूरी नहीं है, आपके पास होना ही चाहिए। तो देखिए कैसे हमें वो भी मतलब एक है, सीएससी भी है, तो गाइस सीएससी भी सीएससी से नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ में है सिंपली रजिस्टर एंड साइन इन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस यहाँ में है सीएससी कनेक्ट, तो सीएससी कनेक्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आपका सीएससी आईडी मतलब यहाँ में मैपिंग है तो गाइस आपका हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए गाइस यहाँ में सीएससी आईडी जो भी है वो आप लोग दे दीजिए, और आप लोग इजीली अभी यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो देखिए गाइस ये कैप्चर सिंपली हमें दे के अभी साइन इन करने से हो जाएगा। तो इस तरीके से सीएससी से भी बनता है, और आप लोग अगर आपके पास आईडी और पास आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो भी हो जाएगा, और अगर आप देखिए यहाँ से करोगे तो भी गाइस आप लोग कर सकते हो, यहाँ में भी मतलब स्टेट जिनका अवेलेबल है वो लोग कर सकते हैं। तो देखिए गाइस आप लोग अपना हिसाब से देखिएगा, और ये नया पोर्टल आया है। तो चलिए गाइस आज का मेरा वीडियो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।